सारे देश से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का वो सब सारे देश से यहाँ पर पहुँचे थे अपनी अपनी स्टेट का उन लोगों ने समस्याओं का जो प्रॉब्लम्स uh, है फेस करते वो सारी बात यहाँ पर रखी कल हमारा कैंप जो था तकरीबन इट इट लास्टेड फॉर अबाउट मोर देन अबाउट सिक्स टू सेवन आवर्स and today also we are still in the process of meeting all our leaders from across the country on my left you have uh, ss rama Subbu. he is ex mp from tamil nadu and on my immediate right is mr lal verge a very senior congress leader and uh, our uh, 17 years in China है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसका प्री मेडिटेटेड एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से जो हमने एमएसपी की बात की थी उस, उससे वो भागना चाहते हैं और जो उसका हेड बनाया है इज़ अ ब्यूरोक्रैट मिस्टर संजय अग्रवाल फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वो एक ऑफिसर जो जिसने सारी जिंदगी एसी कमरों में बिताई है वो क्या जानता है कि खेती क्या है उनको तो मेरा ख्याल के जो रबी और खरीफ क्रॉप्स अगर पूछा जाए या इस देश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल होती है ही वुडन बी नोइंग एट ऑल सो ये कमेटी जहाँ एस के एम ने रिजेक्ट किया हम ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की तरफ से भी इस कमेटी को रिजेक्ट करते हैं और ये मांग करते हैं कि अगर आपने वाकई ही चाहते हैं कि इस देश में किसान और खेत मजदूर उसका भला हो देन दे शुड बी अ फेयर रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कमेटी इन दिस कंट्री जो लोग स्ट्रगल करते हैं जो जमीन से जुड़े हैं उन लोगों को आप लें और सबसे अफसोसनाक बात है कि पंजाब विच इज द बिगेस्ट एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विच एज कॉन्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द फूड बाउल ऑफ दिस कंट्री पंजाब हैज गॉट नो रिप्रेजेंटेशन एट ऑल सो वन दैट वी रिजेक्ट दिस कमेटी एंड वी एक्सपेक्ट द गवमेंट टू स्टैंड बाई इट्स वर्ड और एम एस पी को एक गारंटी बनाया जाए और अकेला पंजाब हरियाणा यहाँ नहीं सारे देश में जो एम एस पी है दैट नीड्स टू बी गिवन एज अ गारंटी इंडिया इज सच ए डाइवर्स कंट्री हमारी इतने तरह की सॉयल है हमारा इतने इतने तरह का मौसम है हमारा इतने अच्छे इरिगेशन uh, जो हमारे रिवर्स अक्रॉस द कंट्री और हमारा जो ग्राउंड वाटर है इट इज़ परफेक्ट फॉर एवरी क्रॉप आई मीन आई वुड से ऑलिव्स हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं एवोकाडोस जैसे जो फ्रूट्स हैं जो विदेशों से यहाँ पर इतने महंगे बिक रहे हैं ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट की खेती तो पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस लिटरली एवरी क्रॉप द ओनली प्रॉब्लम इज के जो हमारी सरकार है केंद्र की ये एग्रीकल्चर उनके एजेंडे पर नहीं है It is not a priority sector, although 60% of India still lives in the villages, still relates to uh, the rural India, but they are not on the focus. And now we are noticing in the parliament session this year itself, 1,45,000 crores has once again been written off of the corporate houses. Of very few people. Uh, some, some companies are benefiting individually to the tune of 5,000 crore rupees uh, debt waiver. 10,000 crore rupees debt waiver, while the farmers of India are reeling under a massive debt from Tamil Nadu to Jammu Kashmir. The debt uh, relates to crores of households. Not, nobody has written that debt off. In Punjab, we have 11 lakh households that are connected with farming. Their total outstanding debt at this point of time, institutional loan, is 1 lakh crores. विच इज़ नथिंग कंपेयर टू द बेनिफिट बींग गिवन टू द कॉरपोरेट सेक्टर अब पिछले दस सालों में भारत की सरकार ने साढ़े तेरह लाख करोड़ साढ़े तेरह लाख करोड़ जो है वो इन कॉरपोरेट घरानों का राइट ऑफ किया है सो इट्स इट्स अ पिटी कि जिस जो लोग इस देश को बना रहे हैं जो इसको खड़ा कर रहे हैं जो मर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं खेत मजदूर और किसान उनकी इस देश में कोई पूछ पड़ताल नहीं है उनका कोई रिकग्निशन भी नहीं है और इन्हीं किसानों के बच्चे बॉर्डर्स पर राखी करते हैं जितने भी आप देखते हैं कि शहीद हो रहे हैं फौज में वेदर इट्स जम्मू कश्मीर वेदर इट इज गुजरात बॉर्डर वेदर इट्स पंजाब बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर और एनी वॉर विद एनी कॉन्फ्लिक्ट विद कंट्रीज लाइक चाइना पाकिस्तान इट इज ऑल द सोल्जर्स बिलोंग टू द दे आर ऑल सन एंड डॉटर्स ऑफ द फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स

बारिश हुई बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हुई और आ, हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की सरकार इसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके और 20 लाख लोगों 20 लाख एकड़ इनको अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन जो है वो तेलंगाना की सरकार देगी हिमाचल में हमारे जो किसान हैं जो एप्पल फार्मिंग करते हैं जो सेब का काम करते हैं उनके जो एप्पल ट्रेज हैं और जो एप्पल कार्टन हैं पैकिंग का उनका मल्ट कई गुना कई गुना मतलब कि हाई प्राइस हाइक हो गया और उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत इस वक्त हालात उनके नाजुक हैं और सारा जो कंट्रोल है एप्पल मार्केटिंग का अब अब अगर देश एम दे तो हर किसान जो है वो प्रफुल्लत होगा लेकिन देश ने क्या किया सरकार ने कि अडानीज को और इस तरह के कॉरपोरेट्स को होल्डिंग करने की इजाज़त दे दी है वो सारा एप्पल का स्टॉक अपने पास होल्ड जमा कर लेते हैं फिर गवर्न प्राइस जो है एप्पल की जो आप खरीदते हैं मार्केट से यहाँ पर बहुत महंगा महंगा सौ सौ रुपये के के ऊपर का जो आप अच्छा फ्रूट खरीदते हैं किसी तरह का भी दैट्स अ रिजल्ट ऑफ होर्डिंग एक्चुअली अगर फार्मर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम गारंटी करे और वो प्राइस सारे देश में पहले बताई जाए तो ना तो कंज्यूमर लुटेगा और ना जो किसान जो है फार्मर लुटेगा हमारे पंजाब में जहां बहुत सारी सुसाइड्स की समस्या है हमारे पंजाब में द इंडस्ट्री हैज़ पोल्यूटेड आवर ग्राउंड वाटर वेरी बैडली एंड दैट इंटायर पोल्यूटेंट इज गोइंग टू आवर रिवर्स हमारा जो लुधियाने के पास सतलुज दरिया जाता है रिवर उसको बुड्ढा नाला ने इतना ज्यादा पॉइजनस कर दिया है कि जितना पोल्यूटेंट था इंडस्ट्री का वो सारा एफ्लुएंट अनट्रीटेड गोज इन टू दैट रिवर और वो जो रिवर uh, है वो अल्टीमेटली फ्लो करती है इन टू सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट मालवा रीजन वहाँ पर कैंसर और वहां से होते हुए राजस्थान का जो है सारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वो सारे कैंसर इफेक्टेड लोग हैं बठिंडा से बीकानेर राजस्थान को एक ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो पीड़ित हो चुके हैं क्योंकि हमारा ज़मीन का पानी हमारे दरिया का पानी ये सारा इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपनी अपनी इंडस्ट्री में नीचे बोर करके उसी में नीचे फेंक दिया अगर दरिया में भी डाला है तो वो अनट्रीटेड विदाउट अप्रोप्रिएट सीवरेज ट्रीटमेंट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ से उड़ीसा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत बड़ा घपला है जैसे गुजरात में है उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा जो जो असल फायदा किसानों को पहुँचना चाहिए उन उन तक जाना चाहिए वो गरीब किसान तक नहीं जा रहा है बिचौलिए खा रहे हैं व्यापारी लूट रहे हैं और इसी तरह हरियाणा में जो अपनी बेरोजगारी जो सबसे बड़ा इफेक्ट हरियाणा और पंजाब में जो अग्नि पथ जो स्कीम बनाई है फौज की कभी आपने सुना है कि फ़ौज भी किराए पर जा रही है क्या फौज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर सकती है जो नौजवान अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा वो लगा देगा फौज में और उसके बाद सारी जिंदगी जो है वो इधर उधर देखेगा और उसको कोई स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है बोलते हैं रीएम्प्लॉयमेंट करेंगे लेकिन आज आप डाटा निकाल के देख लें कितने एक्स सर्विसमैन हैं जो हमारे वहाँ पर रीएम्प्लॉयड हैं इन डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफ दिस कंट्री सो हमारा नचोड़ ये निकला के, किसान और खेत मजदूर के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है हमने अपने संगठन का अभी एक शुरुआत की है हम अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और आने वाले दिनों में दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने ये किसानों की खेत मज़दूरों की ये सारे जो पछड़े हुए लोग हैं जो ग्रामीण भारत में रहते हैं इनकी बात हम वहाँ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे इसकी तैयारी हम करने जा रहे हैं समय लगेगा और इस सारी बातों को लेकर के हम प्रोटेस्ट करेंगे आवर एजेंडा इज टू कम ऑन टू द रोड्स इफ द गवर्नमेंट डजन लिसन बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस देश में डायलॉग की बात कम है वो ओनली वन वे डायलॉग है प्राइम मिनिस्टर साहब अपने मन की बात तो बोल देते हैं लेकिन दूसरों के मन की बात यहाँ इस देश में कोई नहीं सुन तो इस बात को सुनाने के लिए हम ऑल इंडिया किसान कांग्रेस को मजबूत करके अपने देश के किसानों और खेत मजदूरों की बात रखेंगे और अंत में मैं एक बार दोबारा फिर पार्टी लीडरशिप ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और उन्होंने मेरे मेरे पे भरोसा किया है मेरे को एक जुम्मेवारी दी है इस जुम्मेवार को मैं ईमानदारी से अपनी पूरी निष्ठा से अपनी पूरी निडरता से इस जिम्मेवारी को निभाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा आज आप मीडिया का यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद लिखती जो आपको प्रेस रिलीज है वो वाया ईमेल आपको भेज दी जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ऑल राइट आज भी उनका आंदोलन है और जो वो विश्वासघात दिवस मनाएंगे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर उनकी हर मुमकिन कोशिश करके क्योंकि ये वाकई ही विश्वासघात है ये हमारे साथ धोखाधड़ी है ये हमारे साथ चीटिंग हो रही है किसानों के साथ तो हम एस के उस प्रोग्राम का समर्थन करते हैं बनाएंगे बनाएंगे लेकिन उसके लिए मैंने क्योंकि हम, अभी हमने संगठन को शुरुआत की है बहुत जल्द इसकी सपोर्ट में आ, इस तरह के एक नहीं अनेक प्रोग्राम हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे थैंक यू सो मच ठीक है संजीव जी